बेईमानों के नगरी में कौन है ईमानदार। बिहार से एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां सरकार ने अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। नमस्कार, मैं माधुरी, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल। आपको बता दें कि बिहार में पहले से जारी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ये अवधि 15 मई को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे 25 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा, राज्य में आज यानी बृहस्पतिवार को सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख भी रहा है, अतः बिहार में अगले 10 दिनों के लिए अर्थात 16 से 25 मई 2021 तक के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बिहार में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में काफी हद तक मदद मिली है। लॉकडाउन के बाद राज्य में कोरोना के मामले एक दिन में 10,000 से नीचे आए हैं। इसी के साथ कुल एक्टिव मरीजों की संख्या भी 1,00,000 से कम हुई है। रिकवरी रेट भी सुधार हुआ है, साथ ही संक्रमण की दर भी यहाँ घट गई है। विपक्षी पार्टी लगातार सत्ता में बैठी नीतीश कुमार की सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। विपक्ष के नेता आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार के अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरों से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि देखो, एक बेटी अपने कोरोना से दम तोड़ चुके पिता को पीपी किट पहन कर कैसे ले जा रही है। अस्पताल का प्रशासन इतना निर्दयी हो गया है। तेजस्वी यादव की ट्वीट की गई ये वीडियो अब खूब वायरल हो रही है। आप भी देखिए कि वो लड़की कैसे अपने पिता का शव पीपी किट पहन कर ले जा रही है और अस्पताल का प्रशासन मुख बनकर देख रहा है। बॉडी खुद पैक किए हो? एक मिनट, कहाँ की, कहाँ से पेशेंट आया है? क्या नाम हुआ उनका? आप कौन है? क्या नाम है? पूरा डिटेल बताइए, कब डेथ हुआ, कब लेके आप यहाँ पर आएंगे? 9 दिन से भर्ती है यहाँ पे। सुबह 9 बजे से भर्ती, इन्हें करना पड़ा था, 9 दिन हुआ हम भर्ती हुए। अशुभ मैंने शिकायत करने के बाद मुझे मिला किट, और मैंने खुद पैक किया। आप कौन है उनकी? रश्मा पवेल। आपका क्या नाम है? इस वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नमस्कार।